बीएचयू में हॉस्टल कब अलॉट होता है, पहला सवाल। दूसरा, कितने नंबर में हॉस्टल मिल सकता है, दूसरा सवाल। तीसरा, व्हाट इज़ द रूल, बीएचयू जो हॉस्टल मिलने का जो प्रोसेस है उसका रूल्स क्या है। एंड थर्डली, कितने सीट हैं, कितने लोगों को हॉस्टल मिलता है, कितने बच्चे हॉस्टल मिलता है, दिस ऑल द क्वेश्चन। एंड पांचवा क्वेश्चन आप लोगों का था कि व्हाट इज़ द फ़ी ऑफ हॉस्टल, कितने फ़ी, मतलब क्या क्या फ़ी है, व्हाट इज़ द फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्टल। छः नंबर क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ फूड, खाने का। एंड सातवां क्वेश्चन कि कैसा रूम होता है, रूम पार्टनर, क्या क्या मिलता है एक रूम में। तो ये सारे सवाल आपके थे, यू कैन सी दिस कमेंट, इतने सारे जो कमेंट मुझको मिले हैं किसके लिए है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कमेंट, आप लोग देखिए, आप लोग का दिया हुआ सारा कमेंट है। सो ये क्वेश्चन है, पर एक मोस्टली क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे पूछे हैं कि मैं LLB स्टूडेंट हूँ, BLLB स्टूडेंट हूँ, कौन सा, आपको क्या लगता है? तो इसका यही सवाल जवाब है कि I am LLB स्टूडेंट, राइट नाउ I am in सेकेंड ईयर। तो काफ़ी बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया आप LLB कर रहे हैं ना BLLB कर रहे हैं, तो उनके लिए जवाब है कि I am LLB स्टूडेंट, I am in सेकेंड ईयर। और दूसरा कि मैं CUET स्टूडेंट नहीं हूँ, I am NTA, क्योंकि 2021 में ये जब हुआ था तो उस टाइम CUET नहीं था, दैट इज़ NTA। तो ये आई थिंक आपको ये जवाब मिल गया, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन से। हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ एमिल खालखो, यू नो माई सेल्फ, सो वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हॉस्टल। तो ये दिस इज टोटली हॉस्टल, आपको पता है ये भगवान दास हॉस्टल है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ सवाल के जवाब दूंगा हॉस्टल को रिगार्डिंग, कि BHU में हॉस्टल कब अलॉट होता है, दिस द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ये जवाब है कि आफ्टर एडमिशन, ऑब्वियसली जब आप BHU में आएंगे तो व्हेन यू विल गेट एडमिशन, ना एक एडमिशन का प्रोसेस है, तो व्हेन यू गेट एडमिशन हियर, तो वहाँ जो पोर्टल होता है एडमिशन पोर्टल, वहाँ पे हॉस्टल एलोकेशन का एक अलग से एरिया होता है, जहाँ यू विल गेट कि हॉस्टल फ़ी क्या है, हॉस्टल का नाम, योर नेम, ये सारी चीज़ें वहाँ दी रहती है। तो जब आप एडमिशन फ़ी का एडमिशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक महीने बाद आई थिंक वो जो हॉस्टल एलोकेशन है वहाँ पे आपका हॉस्टल शो करने लगता है, उसका फ़ी भी। तो आप जब फ़ी पे कर देंगे, पे करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा कि ये आपका हॉस्टल एलोकेशन का रिसिप्ट है, आप उसको लेके आएंगे। एंड मीन टाइम आपका इस क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी, तो बस एडमिशन के बाद आपका हॉस्टल मिल जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है मोस्टली कि कितने नंबर में हॉस्टल मिलता है। भाई साहब, हॉस्टल यू नो ये कट ऑफ है आप लोगों का, यू कैन सी ये जो है ये कट ऑफ है आप लोगों का LLB एंड BLLB, ये दोनों का कट ऑफ है। तो ये एडमिशन कट ऑफ है जिसके हिसाब से आपको आपको एलोकेशन मिलता है कॉलेजेस का। तो इसके ऊपर ही ये कट ऑफ है कॉलेज का, लेकिन हॉस्टल का अलग से एक कट ऑफ बनता है, लाइक उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन एंट्रेंस इंडेक्स, आई थिंक वही बोलते हैं, जिससे अलग से इंडेक्स बनता है और उसी से हॉस्टल एलोकेशन होता है। लाइक कितने नंबर में अगर हॉस्टल मिल सकता है, अगर LLB बोलें तो पिछले बार कट ऑफ गया था 272 जनरल का। तो हॉस्टल अगर आप मतलब टोटल करें 400 में, अगर आप 280 लाते हैं ना, 280-290 अगर लाते हैं 400 में, तो हॉस्टल मिल जा सकता है, पॉसिबिलिटी इस तरह है। और STSE लोग के लिए थोड़ा सा कम नंबर लाते हैं। देखिए हॉस्टल एलोकेशन का एक प्रोसेस है, वहाँ पे 80% एंड 20%, ये एक कैलकुलेशन होता है हॉस्टल एलोकेशन का, मतलब हॉस्टल मिलने का। 80% होता है जो आप लोग CUET में जो नंबर स्कोर करेंगे, उसमें से 80% आपको उस नंबर से देखा जाएगा, और 20% आपका डिस्टेंस, किसी का घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हो। हाँ पता है, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको डिस्टेंस आपके कॉलेज से BHU से आपका घर 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए, 10 किलोमीटर के अंडर में आना चाहिए। अगर 10 किलोमीटर के अंडर में है तो आपको हॉस्टल बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप उस हॉस्टल के क्राइटेरिया में आएंगे ही नहीं। तो आपको हॉस्टल आपको मतलब 10 किलोमीटर के बाहर ही आपको जाना पड़ेगा। तो ये था आपका कि
20 NAT का ये एक चीज़ है कि सेव होता है। तो वही कि अगर आपका स्कोर में अगर 280 या 90 आप लाते हैं जनरल में, तो आपको वहाँ से 80% आपका वो लोग काउंट करेंगे और यू विल गेट योर हॉस्टल। उसके बाद 20% आपका डिस्टेंस देखेंगे। तो जैसे मेरा घर वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल से BHU का जो दूरी है कैसे कैलकुलेट हुआ, उसके बाद मुझे वहाँ से नंबर मिला और आई गेट हॉस्टल। तो यही है। एंड जनरल का वही बोल देता हूँ कि मैंने कटअप निकाला तो उसे देखा था कि पिछली बार SC का 207 और 158 ये कटअप था ST और SC लोगों का, तो उसी हिसाब से आप लोगों का भी होगा। तो आई थिंक अगर आप जनरल लोग SC और ST 220 टू 210 के बीच में अगर नंबर लाते हैं तो आपको ये हॉस्टल मिल सकता है। हाँ, और तीसरा सवाल ये होता था आप लोगों का कि रूल्स, किस रूल में हॉस्टल मिलता है, देयर है पार्टिकुलर रूल। जैसे अब पहले तो मैंने बता दिया कि दूरी होना चाहिए, डिस्टेंस कि 10 किलोमीटर के अंडर में नहीं होना चाहिए। 10 किलोमीटर के अंडर में होता है तो आपको बिल्कुल हॉस्टल नहीं मिलेगा। यू हैव टू फुलफिल द क्राइटेरिया कि 10 किलोमीटर के बाहर ही आपको मिल सकता है। दूसरा, इसका कंपोजिशन बनता है, मतलब एडमिशन का जो कट ऑफ है वो अलग होता है और हॉस्टल का कट ऑफ अलग आता है, जिसमें जनरल, OBC और EWS ये सारे चीज़ एक एरिया में आते हैं, उनका एक पार्टिकुलर कटअप निकलता है। और आज जो लोग फिजिकल हैंडीकेप रहते हैं और ST SC है तो उनका एक अलग, तो दो तरीका का क्राइटेरिया बनता है लोग का। तो ये हो गया रूल्स कि साथ आपको हॉस्टल मिल सकता है। सेकेंडली, ये जो सीट, कैसा सीट होता है। अच्छा, ये बता देते हैं कि जो LLB वाले होते हैं ना, LLB, उनका 300 बच्चों का एडमिशन होता है, तो उनके लिए अलग से कटअप रहता है और उनको ज़्यादा हॉस्टल मिलता है। अगर 300 बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो आपको आपको पकड़ लेना पड़ेगा कि 100 बच्चे को तो हॉस्टल मिलेगा ही, मतलब 70% जो बच्चे नंबर एक बार कर लेते हैं ना उनको हॉस्टल मिल जाता है। और जो लोग BA LLB बच्चे होते हैं उनका बस 74 बच्चे को एडमिशन मिलता है फैकल्टी में, तो उनका हॉस्टल अलॉटमेंट भी 25 बच्चों को मिलता है, तो उनका अलग से कटअप निकलता है। तो थोड़ा BA LLB का थोड़ा हार्ड है। तो यही बोलते हैं कि सीट कितना रहता है, 100 to 120 सा हॉस्टल का सीट रहता है LLB वालों का, और BA LLB का वही 25 से 27 बच्चों को बस हॉस्टल मिलता है। एंड जो हॉस्टल है, LLB वालों को भगवान दास मिलता है जो अभी हम यहाँ रह रहे हैं, और BA LLB वालों को चाणक्य मिलता है, एंड LLM वालों के अम्बेडकर है, ठीक है। एंड फी स्ट्रक्चर, बच्चे पूछ रहे थे फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जब आप एडमिशन लेंगे हर साल, जब भी आप हॉस्टल एडमिशन होंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन होंगे, तो आपको 5000 रुपीज़ देना पड़ेगा हॉस्टल का एडमिशन। उसके बाद आप जब हॉस्टल एडमिशन हो गए तो आपको मेस चार्ज, एडवांस पैसा जमा करना पड़ता है खाने के लिए, जो हर महीने आप खाते जाएंगे और पैसा कटते जाएगा। तो आप पकड़ लीजिए, आपको 5000 फॉर योर एडमिशन हॉस्टल एंड 5000 फॉर योर मेस चार्ज, जो आप खा के पैसा चुका देंगे। एंड सेम फॉर BA LLB ऑल्सो, उनका भी 5000 लगता है एडमिशन एंड मेस चार्ज होता है 5000। एंड यू नो, ये जो खाना खाएंगे आप तो मेस में पर प्लेट, अगर सभी सुबह आप खाएं, पहले तो खाना दो ही टाइम मिलता है, एक दोपहर को मिलता है जो 11:30 बजे से लेके 2 बजे तक आई थिंक रहता है, एंड रात को मिलता है 8 से लेके 10 बजे तक। तो दो टाइम खाना मिलता है, तो यू हैव टू पे पर प्लेट 50 रुपीज़। अभी खाएं 50 रुपीज़ दीजिए और रात को खाएं 50 रुपीज़ दीजिए। कई बार रजिस्टर भी फॉलो किया जाता है, कई बार पैसा दे के भी चलो यार खा के निकल जाओ, ये होता है। एंड जब स्पेशल डाइट होता है ना, तो जैसे मैं कई बार, हम लोग को एग मिलता है, चिकन मिलता है, पनीर मिलता है, फिश मिलता है, ये सारे स्पेशल डाइट है, उसमें 70 रुपीज़, कई कई हॉस्टल में 75 रुपीज़ इस तरह होता है। तो ये पूरा मेस स्ट्रक्चर है। तो अगर आप पकड़ लो, अगर आप खाने में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से 3500 रुपये आपका मेस का हो जाता है। तो ये था आपका फी स्ट्रक्चर ऑफ खाने का। एंड यू नो, फूड, आप लोग पूछते हैं फूड कैसा होता है। सच बताएं, हमारे लिए तो अभी बोर हो गया तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता है, पर अच्छा ही है यार, मतलब खा ले अब, जिंदा रह सकते हैं, फील गुड। अच्छा, अर्जुन तो बड़ा पसंद करता है, धर्मेंद्र भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है खाने के लिए, हालांकि मैं कई बार नहीं खाता हूँ, डांट सुनना पड़ता है, पर खा लेते हैं, मतलब हैबिट हो जाता है ना, हर दिन वही खाना खाओ। पर सच बोलूँ, बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप कैंपस के बाहर की दुनिया देखें ना, तब आपको पता चलेगा कि कितना कष्ट है बाहर और अंदर में कितना सुकून है। आपको मतलब पेट भर के खाना मिले, जितना चाहे आप, बस 50 रुपये देके जितना प्लेट खाना चाहे आप खा सकते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट नाइस थिंग। तो फूड के लिए 10/10।
और हाँ पूछते हैं कि रूम में क्या क्या मिलेगा। फाइनली से रूम में क्या क्या मिलता है, मतलब जब रूम में आ जाएंगे तो आपको एक रूम पार्टनर मिलेगा। जो भगवान दास में अगर आप आ रहे हैं तो आपको टीचर्स लोग ही रूम में रूम पार्टनर लोड करा देंगे। अगर आप चाहे तो आप खुद का अपने दोस्त को ला के बोलेंगे आई विल स्टे विथ हिम, तो आपको दे दिया जाएगा। पर चाणक्य में वही मन मर्जी आप अलॉट करा लिए, फिर दूसरा दिन आके आपका रूममेट आ रहा है और उसके साथ अलॉट कराए। पर भगवान दास में नहीं, आपको साथ में रूममेट आपका साथ खड़ा रहेगा और यू विल अलॉट। तो एक इस रूम में दो जन करके रहते हैं, जहाँ आपको एक टेबल दिया जाएगा, चेयर, बेड, एक पंखा, लाइट खुद खरीदना पड़ता है, बिजली नहीं देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती है रूम कंफर्टेबल। अलमारी भी रहता है जहाँ आप कपड़े किताबें रख सकते हैं। तो ये सारे थे आपके रूम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी कि BHU हॉस्टल कब अलॉट होता है, कितने नंबर पे होता है, एंड व्हाट्स द रूल्स, सीट्स, फीस एंड फूड एंड रूम्स। तो ये था सारी चीज़ें आपको हॉस्टल को रिगार्डिंग। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ अलग, कुछ नया। आखिरी में ये बोलना चाहेंगे, आप लोगों का एग्जाम आ रहा है तो परेशान मत होइए, बस बिलीव ऑन योर सेल्फ और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा आपकी तरह। बाय बाय।